हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि बहुत दिनों बाद हमारी वीडियो आ रही है, तो चलिए फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम डिमांड एनालिसिस को कवर करेंगे, और अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं डिमांड एनालिसिस। सो बेसिकली डिमांड एनालिसिस क्या है? इसका बेसिक मीनिंग है कि डिमांड को एनालिसिस करना। मतलब ये क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर सर्विस की कस्टमर डिमांड को एनालिसिस की जाती है। कंपनी डिमांड एनालिसिस को यूज़ कर ये पता करती है कि कौन उनके प्रोडक्ट को बाई करना चाहता है और एक कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितने अमाउंट पे करना पसंद करेगी। और साथ में क्या देखा जाता है डिमांड एनालिसिस में? दूसरे अदर फैक्टर्स को भी देखा जाता है, जैसे प्रोडक्ट की डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, एक प्रोडक्ट की सेलिंग कॉस्ट क्या होगी, एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। सो ओवरऑल डिमांड एनालिसिस बिजनेस प्लानिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि डिमांड क्या होती है। सो डिमांड क्या है? डिमांड एक गुड्स या फिर सर्विस की वो क्वांटिटी होती है जिसमें क्या होता है, जिसके लिए कस्टमर अपनी इच्छा से विलिंगली बाई करना चाहता है और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे करना चाहता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम में। फिर से रिपीट कर रही हूँ, डिमांड क्या है? डिमांड एक पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस की वो क्वांटिटी होती है जिसके लिए कस्टमर या फिर कंज्यूमर अपनी इच्छा से उस प्रोडक्ट को बाई करना चाहता है और उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे करना चाहता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। सो डिमांड मतलब कस्टमर की इच्छा होनी चाहिए, यानी डिज़ायर के साथ साथ क्या होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, साथ में एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे भी होनी चाहिए। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में दो और इम्पॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए, टाइम और प्राइस, ये भी डिमांड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए देखते हैं डिमांड कितने तरह की होती है। सो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बेनहम, उन्होंने क्या डिफाइन किया है, डिमांड को कैसे डिफाइन किया है? उन्होंने कहा है डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट अ प्राइस। और सेकेंड डेफिनेशन क्या है प्रोफेसर मेयर के अकॉर्डिंग, द डिमांड फॉर अ गुड इज शेड्यूल ऑफ द अमाउंट्स दैट बायर्स वुड बी विलिंग टू परचेज एट ऑल पॉसिबल प्राइजेस एट एनी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ओवरऑल यही मीनिंग है डिमांड की, कि डिमांड क्या है, एक गुड्स और सर्विस की वो क्वांटिटी है जिसके लिए अब एक जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, अपनी इच्छा से विलिंगली उसे बाई करना चाहेगा और उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस पे करना चाहेगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डिमांड की। अब हम देखेंगे टाइप्स क्या क्या है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। सो इंडिविजुअल डिमांड क्या है? ये बेसिकली एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड की इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड है, इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड होती है। इंडिविजुअल डिमांड यानी व्यक्तिगत मांग। नेक्स्ट क्या है, मार्केट डिमांड। सो मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड एक मार्केट में गुड्स और सर्विस की जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर्स की जो कलेक्टिव डिमांड है, सारे कंज्यूमर्स की कलेक्टिव डिमांड एक गुड्स या फिर सर्विस के लिए एक पर्टिकुलर मार्केट में, उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड। तो चलिए इसे हम और भी अच्छी तरह से विथ एग्जाम्पल समझेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड होती क्या है। सो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक टेबल दिख रहा है। टेबल में क्या दिख रहा है, प्राइस पर केजी, और इस साइड में क्या दिख रहा है, इंडिविजुअल। नेक्स्ट हमें दिख रहा है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। सो इंडिविजुअल डिमांड क्या है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड की जो डिमांड है, यहाँ पे हम 3 इंडिविजुअल हाउस होल्ड को यहाँ पे लिए हैं, ए बी और सी। और जो ए की डिमांड शेड्यूल क्या शो कर रही है, कि राइस की प्राइस जब 1 होगी तो इंडिविजुअल डिमांड ए की क्या होगी, 6। नेक्स्ट जब प्राइस 2 रुपीज़ हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी, तो क्या हो रहा है, जो ए की
डिमांड है वो घट रही है, अब ये 5 हो रही है। इसी तरह 3 होने पर क्या हो रही है, 4 हो रही है। और नेक्स्ट जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड क्या होती जा रही है, घटते जा रही है। इसी तरह बी में अगर हम देखेंगे तो बी में क्या हो रहा है, बी में जैसे 1 रुपीज़ प्राइस थी तो डिमांड पर केजी कितनी थी बी की, 11। इसी तरह से अब देखिए 2 रुपीज़ होने पे जब 2 रुपीज़ हो गई तो क्या हो गई, जो डिमांड है घटते जा रही है। इसी तरह सी में भी क्या हो रहा है, पहले तो 1 रुपीज़ में 13 kg डिमांड थी सी की किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। चलिए हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए राइस का एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये भी घटती जा रही है। तो ये हो गई इंडिविजुअल डिमांड, यानी पर्टिकुलर एक हाउस होल्ड की डिमांड। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या बता रही है, तीनों की ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एक साथ जब हम डिमांड को लेंगे तो क्या हो रहा है, ये हो रही है, क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड या फिर मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इसमें क्या हो रहा है, तीनों को हम एक साथ जब सम अप करेंगे तो क्या होगा, ये निकलेगी मार्केट डिमांड। सो जैसे जैसे हम यहाँ पे क्या दिख रहा है कि गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे डिमांड घटती जा रही है। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 को लिया है। इसी तरह से बहुत सारे ए बी सी डी इस तरह से हम एक्स्ट्रा कुछ और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल हाउस होल्ड को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और मार्केट डिमांड क्या होगा, सारे को एक साथ जब हम सम कर देंगे, सबका एग्रीगेट निकालेंगे तो ये हो जाएगी मार्केट डिमांड। चलिए ये तो हो गई शेड्यूल। चलिए अब हम देखेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व क्या है। तो हमने पहले क्या देखा, हमने देखा कि शेड्यूल को देखा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो जब हम इसे टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं। तो हम वो देख चुके हैं, अब उसी शेड्यूल को हम कर्व फॉर्म में देखेंगे, ग्राफिकल फॉर्म में देखेंगे। तो जब हम शेड्यूल को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, मतलब ग्राफ में इसे शो किया जाता है। तो देखिए वाई एक्सिस में क्या दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है, और एक्स एक्सिस में हमें क्या दिख रही है, क्वांटिटी डिमांडेड दिख रही है। तो ये लाइन क्या शो कर रही है, ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, एक ही डिमांड कर्व, यानी एक ही डिमांड दिखा रही है। और इसी तरह से ये लाइन बी की डिमांड कर्व दिखा रही है, इसी तरह से ये सी की दिखा रही है। और तीनों का जब हम समेशन करेंगे तो ये क्या हमें देगा, मार्केट डिमांड दिखा रहा है, और ये कर्व इसी मार्केट डिमांड को शो कर रही है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर क्लास पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर करना।